मुझे उम्मीद है कि आपने अपना आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपने अब आर स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है तो उससे नेक्स्ट स्टेप पे अब हम मूव करते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि आर पैकेजेस क्या होते हैं और लाइब्रेरी क्यों यूज करते हैं, और बाज़ुकात हमें एरर्स, वार्निंग्स और जो मैसेज आता है आर स्टूडियो में तो वो उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर पैकेजेस क्या हैं और आर पैकेजेस को कैसे यूज किया जा सकता है। तो यूं समझें कि आपके पास जो है वो आर, जैसे गूगल ऐप होता है, गूगल ऐप स्टोर होता है, तो वैसे ही जिस पैकेज की हमें जरूरत होती है उस पैकेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो पैकेज जो है बेसिकली ये है जिसमें आप एक ऐसा जो है वो सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं और उसमें जो है वो आप कोड्स शेयर करते हैं अपने बाकी आर स्टूडियो पे। तो पैकेज जो है उसमें कोड है, डेटा है, डॉक्यूमेंटेशन है, टेस्ट्स हैं जो कि बाकी लोगों से शेयर किए जाते हैं, और उस पैकेज को यूज करते हुए जितना उसने वो सारी चीजें की होती हैं उसको कोई भी बंदा अपने लिए यूज कर सकता है। तो आर की सक्सेसफुल होने की एक मेन रीजन ये है कि ऑलमोस्ट 10,000 पैकेजेस जो है इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं आर स्टूडियो में, आर में। तो वो पैकेज कोई भी यूज कर सकता है, कोई अपना पैकेज बनाए तो वो ये देख सकता है कि मेरे सॉल्यूशंस में क्या एरर था या दूसरे के सॉल्यूशंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी उस पैकेज को यूज करने के लिए एक कमांड है। अगर आप ये लाइब्रेरी वाली कमांड यहां पे रन कर देंगे तो इट मींस कि आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से पैकेज आपके पास इंस्टॉल्ड हैं। तो जब भी आप जो है वो पैकेज लाइब्रेरी रन करेंगे और इनसाइड पैकेज का नेम देंगे तो बाज़ुकात आपको एरर का मैसेज आएगा। अगर आपको एरर का मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब है आपका वो पैकेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो वो हम देखते हैं कि एरर्स और वार्निंग्स और मैसेजेस कैसे चलते हैं। तो उसके लिए आप देखिए, तो हमारे पास जो है अगर आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है, यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं ggplot2। वैसे तो ggplot2 डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होता है। लेट्स से ggplot2 मूवीज आप पैकेज जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप अपनी उसमें जो मैंने कोड एडिटिंग वाली अभी मैं आपको दिखाता हूं, वहां पे मैंने बताया था कि हम अपना कोड एडिट करते हैं, तो वहां पे आप लिख सकते हैं install.packages ggplot2 इन्वर्टेड कॉमास में। तो आप एंटर करेंगे तो ये रन होगा और उसके बाद आप उसको लिख सकते हैं लाइब्रेरी इनसाइड ggplot2 मूवीज। अगर आपको कोई एरर नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब है ggplot2 मूवीज की जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको आप अपने डेटा के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस पैकेज पे चाहिए हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पैकेज और उसके साथ आप उसको जो है वो क्वेश्चन मार्क करके ggplot2 या हेल्प पैकेज इक्वल टू ggplot2। तो अब देखिए, और फिर बाज़ुकात आपको एरर्स मिलते हैं, वार्निंग्स मिलती हैं और मैसेज मिलता है। तो एरर जो है इट्स लाइक अ रेड लाइट कि आप मूव नहीं कर सकते, आपके पास वो चीज मिसिंग है या बड़ी सीरियस किस्म का एक एरर आ रहा है। तो वो एरर्स इन समथिंग, तो वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये आपके पास किस तरह का एरर है। मैनी अ टाइम्स वी गेट अ वार्निंग, वार्निंग इज लाइक अ येलो लाइट के मूव अहेड, गो अहेड बट बी केयरफुल। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेटा सेट्स है जिसमें मैं स्कैटर प्लॉट बनाना चाहता हूं, कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, तो वो मुझे मैसेज देगा, मुझे वार्निंग देगा कि भाई आपके पास ये जो है वो कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, तो डू यू वांट टू मूव अहेड, तो मुझे वो डिलीट करके आगे जाना है या डिलीट किए बगैर जाना है, तो ये मुझे डिसाइड करना है। एक फ्रेंडली मैसेज आता है, तो अगर मैसेज आता है तो इसका मतलब है सब कुछ सही है, आप इसको आगे मूव कर सकते हैं। अब मैं यही चीज जो है वो आपको दिखाना चाह रहा हूं आर में, कि आर में कैसे हम मूव कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं यहां पे, मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था जहां आर स्टूडियो हमने इंस्टॉल करने की जो है वो बात की थी, कि ये आपके पास कोड एडिटर है, ये आर कंसोल है जहां कोड ने जो है वो रन होना है, ये आपका एनवायरमेंट है, यहां पे आपके पास जो है आप व्यू कर सकते हैं, फाइल्स होती हैं, प्लॉट्स होते हैं। तो आपके पास लाइब्रेरी ggplot2 मूवीज जब मैं रन करता हूं तो मेरे पास एरर आ गया, तो इसका मतलब यह है कि मैं इसके साथ कोई भी चीज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहां पे एक जो पैकेज है ggplot2,
तो अगर उसको करता हूं तो आई डोंट गेट एन एरर. इसका मतलब है ggplot2 पैकेज मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ggplot2 मूवीज इंस्टॉल्ड नहीं. अब क्या करूं, तो इसका एक है कि मैं यहां पे इंस्टॉल डॉट पैकेजेस करूं और इनसाइड लिखूं ggplot2 मूवीज. दूसरी ऑप्शन ये है, और इसको मैं रन कर दूं तो ये बहुत सारी इंटरनेट आपका जो है वो फंक्शनल होना चाहिए, तो यू विल गेट दिस. और उसके बाद आप ये लाइब्रेरी वाली कमांड ये वाली रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा. दूसरा मेथड ये है कि आप यहां से इंस्टॉल पैकेजेस में जाएं और यहां पे जब आप ggplot2 मूवीज करेंगे तो ये आपके पास ggplot2 जो मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 10,000 के करीब पैकेजेस हैं, तो यहां इंस्टॉल करेंगे तो ये हो जाएगा. और उसके बाद लाइब्रेरी जो है वो आप रन करते हुए आप इसको यूज कर सकते हैं. तो आई होप कि इससे आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पैकेज क्या है, लाइब्रेरी क्या है, एरर्स, वार्निंग और मैसेज में क्या फर्क होता है. तो आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद मैं अगले वाली जो बात करूंगा वो होगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपके पास जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह क्या होते हैं, किस तरह से वो फंक्शन करते हैं. बिफोर कि मैं स्टार्ट करूं कि आपके पास जो है डेटा रैंगलिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह क्या है, और उसके बाद हम अपने इकोनोमेट्रिक मॉडल्स की बातें करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर.